नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गाजीपुर में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सिटी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। ये चेकिंग अभियान एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी के नेतृत्व में चलाया गया। चेकिंग अभियान में डॉग स्क्वाड के साथ सदर कोतवाली पुलिस, आरपीएफ, जीआरपीएफ की टीम भी मौके पर मौजूद रही, जहां पर स्टेशन पर मौजूद संदिग्ध वस्तुओं को खंगाला गया है। साथ ही स्टेशन पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली गई है। इस दौरान एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया है कि इनके साथ ही बताया कि आगामी त्यौहार जैसे दीपावली, छठ आदि पर्व के मद्देनजर आज सिटी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सदर कोतवाली की टीम के साथ आरपीएफ, जीआरपीएफ टीम के द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। फिलहाल चेकिंग अभियान में कोई आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिली हैं, लेकिन आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति और सुरक्षा को लेकर इस तरह की चेकिंग अभियान लगातार चलता रहेगा। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के साथ साथ चेकिंग का अभियान चलाया गया, जो आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस के माध्यम से कराया गया और कई जगह पर चेकिंग भी कराई गई, संदिग्ध वस्तुओं की भी जांच कराई गई, लेकिन कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद भी हमने जीआरपी, आरपीएफ और शहर कोतवाल साहब को निर्देश दिया कि इस तरह की चेकिंग त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि अभी आपका धनतेरस, दीपावली और छठ का पूजा है और भीड़ भाड़ रहेगी, ऐसे में किसी भी अराजक तत्व द्वारा कोई भी घटना की जा सकती है। ऐसे में लगातार संदिग्ध वस्तुओं, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग होती रहनी चाहिए। सर, क्या इसके लिए टीम भी लगाई गई है? हाँ, इसके लिए टीम भी लगाई गई। आरपीएफ की अपनी टीम है, जीआरपी की लगी है और जिला पुलिस से भी शहर कोतवाल साहब के नेतृत्व में भी दो टीमें लगाई गई हैं। और देखा है सर, स्टेशन पर यातायात वाहनों को खड़ा करने का अवैध तरीके से अक्सर जाम की भीड़ की स्थिति, इसके लिए क्या किया गया? अगर जाम की स्थिति व्यक्तिगत रूप से अभी तक किसी ने बताया नहीं, लेकिन आपने बताया है तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम बाहर जाते हैं। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो TSI साहब, RPF और GRP के माध्यम से इसको दूर किया जाएगा। एक हफ्ता पहले टेंडर हो गया सर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।